हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए एक और न्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ। ये वीडियो जो है रोज़ प्लांट के ऊपर ही है, क्योंकि बेसिकली मैं रोज़ प्लांट ग्रो करता हूँ अपने गार्डन में, तो मैं आपको डिटेल्स रोज़ प्लांट के बारे में ही बताऊँगा मोस्टली। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और रोज़ के बारे में न्यू चीज़ जानना चाहते हैं, रोज़ ग्रो करना सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, अभी जो मंथ चल रहा है वो फरवरी का मंथ चल रहा है, फेब चल रहा है अभी, और ये ऐसा वक्त है ना इस साल का कि टेम्परेचर बहुत ही जल्दी राइज़ किया है। मतलब टेम्परेचर फरवरी में मोस्टली इतना राइज़ करता नहीं है, अभी टेम्परेचर जा रहा है दिन का 35 to 38%। मतलब जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ छत्तीसगढ़ से, यहाँ का टेम्परेचर है 35 डिग्री, और अदर जो भी प्लेन लैंड्स हैं वहाँ का टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ गया है। मैं नॉर्थ इंडिया हिमाचल उत्तराखंड उन जगहों की बात नहीं कर रहा, मैं प्लेन्स की बात कर रहा हूँ, जो प्लेन एरिया जो है इंडिया का, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो राइज़ करके 35% तक चला गया है, और इसका इफ़ेक्ट भी रोज़ में दिखने लगा है। आपको रोज़ के जो पेटल्स हैं वो भी बर्न होते हुए दिखेंगे, और ये जो प्रॉब्लम है ये इस साल बहुत ही जल्दी आई है। हालांकि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये जो चीज़ें हैं मेरे यहाँ पे मोस्टली अप्रैल में स्टार्ट होता है, मार्च एंड, और अप्रैल में रोज़ के पेटल्स बर्न होते हैं, जो बहुत ही डेलिकेट और सॉफ्ट से रोज़ होते हैं वो मोस्टली अप्रैल या मार्च के एंड में बर्न होते हैं। बट इस बार हुआ क्या कि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही जल्दी ही स्टार्ट हो गया। मतलब ये फेब के अभी आई थिंक 20 तारीख है, 2021 चल रहा है अभी, तो इन तारीख पे ही जो टेम्परेचर है बढ़ गया है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत कम डिग्री से नहीं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और इस बार का जो विंटर है वो काफ़ी अलग तरीके से रहा है, तो अभी जो रोज़ प्लांट है वो उसके अनुसार ही रिएक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे जो टेम्परेचर है अच्छा खासा राइज हुआ है, एंड इन समर्स मतलब अप्रैल और मई और जून के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर 45 से लेके 48 डिग्री तक रहता है। तो आप उम्मीद बोल रहा हूँ मैं, क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है यहाँ पर समर में छत्तीसगढ़ में, और इंडिया के जो प्लेन्स एरिया है, नॉर्थ इंडिया भी इंक्लूड कर सकते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर 45+ जाता है, वहाँ पे रोज़ जो है गर्मियों में अच्छे नहीं होते हैं। तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी आपको रखना होगा। सबसे पहली बात, अगर आप कटिंग लगाए हैं, कटिंग आपकी ग्रो हो गई है, तो सबसे पहले आपको उन्हें ऐसे जगह पर प्लेस करना है, जैसे कि मेरा कटिंग ग्रोन प्लांट है जैस्मीना जो रोज़ है, मैंने ऑनलाइन मंगाया था, उसका मदर प्लांट नीचे रखा हुआ है और उसी की कटिंग से मैंने इसे ग्रो किया है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। मैंने कोकोपीट में लगाता हूँ, तो कोकोपीट में रिजल्ट तो मुझे काफ़ी अच्छा मिला है। तो सबसे पहला काम, कटिंग अगर आपने ग्रो किया है, कटिंग ग्रो हो गई है, तो आप उसे किसी बड़े पॉट में रखिए, मिट्टी पे रखिए इस पॉट में, ताकि नीचे से भी ठंडक मिलती रहे, और उसमें आपको मॉइस्चर मेंटेन रखना है, जिससे क्या होगा आपकी कटिंग जो लग गई है वो ख़राब नहीं होगी, पहली बात तो ये। और सेकेंड बात, अगर उनके जो ड्रेनेज होल से रूट्स बाहर भी निकलेगा वो भी उसमें इतना हार्म नहीं आएगा। ये सबसे पहला काम आपको करना है, कटिंग अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो उसकी बात करा मैंने आपसे। मैंने आपसे पहले भी ये चीज़ कहा है कि रोज़ प्लांट को आप इकट्ठा करके रख लीजिए एक जगह पे, जिससे उन्हें मॉइस्चर भी मिलते रहेगा और उससे आपका प्लांट भी सही से बना रहेगा। और आप चाहें तो रोज़ प्लांट को शिफ्ट कर दीजिए ऐसी जगह पे जहाँ पे उसे मॉर्निंग की सनलाइट मिले, अगर आपके यहाँ टेम्परेचर हाई है तो। मैं वैसे ही करने वाला हूँ, मैं अभी एंड फरवरी तक इन जो रोज़ेस हैं कुछ को मैं पीछे शिफ्ट कर दूँगा, जहाँ पर उतनी मतलब पीछे मेरे पास जगह है जहाँ पे मैं गर्मियों में रोज़ को रखता हूँ, जिससे उन्हें मई और जून की जो गर्मी है उससे राहत मिल सकती है। और मैं ऐसे ही करता हूँ कि मैं प्लांट को एक इकट्ठा करके रखता हूँ, मैं रोज़ प्लांट को बहुत गैप दे दे के, बहुत स्पेस दे के नहीं रखता, क्योंकि मेरे पास स्पेस भी नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि जितना हम रोज़ को थोड़ा सा गर्मियों के वक्त में स्पेशली अगर कुछ कंजेस्टेड करके रखेंगे तो उनमें सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इन कंपेरिजन टू दूर दूर रखने से। दूर दूर रखने से क्या होता है कि इसमें धूप बहुत ज़्यादा लगती है, सन की जो लाइट रेज हैं वो बहुत ही हार्श पड़ती है उन पर, क्योंकि प्लांट सेपरेट रहते हैं। ये देखिए रोज़ फ्लावर है, जो सुबह मैंने एक इसके पहले जो क्लिप दिखाया उसमें सही दिख रहा था, अभी शाम होते ही, सेम दिन का वीडियो है, शाम होते ही बर्न हो गया। तो ये इश्यूज़ अभी हो रहे हैं रोज़ में, उसमें घबराने की दिक्कत नहीं है। तो हमारा टॉपिक क्या था, हाँ, प्लांट को एक साथ रखना है। एक साथ रखने से उन्हें ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर
मिलते रहेगा, जिससे कि प्लांट जो है आपके वो ड्रायर नहीं होंगे और वो बहुत अच्छे तरीके से बने रहेंगे। और जैसे मैंने अपने कुछ लास्ट वीडियो में बताया था कि वाइट काइंड ऑफ पत्तों पे हो रहा है, वो अब नहीं हो रहा है। मैंने हार्डली एक से दो बार ही इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया था, बाकी मैं डेली शावरिंग करता हूँ, तो उससे वो समस्या नहीं होगी प्लांट में अभी। हाँ, अभी थ्रिप्स का अटैक होना शुरू हो सकता है। अब थ्रिप्स का अटैक होता है तो आप शावरिंग डेली कीजिए, जितना हो सके रोज़ का जो पत्ते हैं, रोज़ के जो लीव्स हैं उन्हें आप क्लीन रखिए। ये काम आपको करना है, रोज़ का जो लीव्स है उसे आपको क्लीन बनाए रखना है, जिससे कि उसमें कोई भी थ्रिप्स का अटैक ना हो अभी आने वाले गर्मियों के मौसम में। और मैं एक और चीज़ बात करूँगा, आप अगर न्यू रोज़ प्लांट खरीदने जा रहे हैं तो मेरा रिकमेंड रहेगा कि अभी मत खरीदिए, क्योंकि रोज़ प्लांट को सेटल होने में टाइम लग जाएगा और मे बी शायद फ्लावरिंग ना करे वो इस विंटर के सीज़न में। विंटर चला ही गया है, विंटर है ही कहाँ अब, अभी तो सिर्फ गर्मियाँ ही स्टार्ट हो गई हैं। तो वैसे ही आपको गार्डन को रेडी रखना पड़ेगा। और मैं क्या बताऊँ, इस बार का टेम्परेचर बहुत ही अलग सा रहा है, जिससे कई रोज़ की जो लीव्स हैं वो भी बर्न हो रही है। मैं आपको दिखा दूँगा इस वीडियो में सब कुछ, कि जिसमें लीफ बर्न हो रहा है, जिसके फ्लावर्स बर्न हो रहे हैं। और जैसा कि अब हमें बस कोशिश करना है अपने प्लांट्स को बचाने की, अब इसमें हमें फ्लावर लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अभी जैसे फरवरी, अभी जो फ्लश आ रहा है, जैसे अभी मेरा प्लांट में थर्ड फ्लश ही है, इस बार मुझको फ्लश काफ़ी अच्छा मिला, मतलब काफ़ी अच्छे रोज़ हुए इस बार मेरे, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। तो जैसा कि अभी ये लास्ट फ्लश है, तो इसके बाद आपके पास अगर बर्ड्स आए फ्लावर प्लांट में तो बर्ड को आप रिमूव ज़रूर कीजिएगा। ये काम करना है आपको अप्रैल के सीज़न में, अप्रैल मई जून ये 3 महीने में आपको प्लांट से सिर्फ ग्रोथ लेनी है। और सिर्फ ग्रोथ लेने के लिए जो भी बर्ड्स आएगा उन्हें आप कट करके हटा दीजिएगा। इससे क्या होगा, प्लांट को ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, वो एनर्जी अपनी ग्रोथ पर लगाएगा और प्लांट आपका बहुत ही अच्छे तरीके से फिर ग्रो होगा, क्योंकि हमें अभी प्लांट में सिर्फ ग्रोथ पर फोकस करना है आने वाले समय में। हालांकि मैं वीडियो आगे भी लेके आऊँगा आप लोग के लिए, कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो बराबर लेके आऊँ, लेकिन थोड़ा डिले भी हो जाता है कई बार, क्योंकि और भी काम रहता है, इंसान स्टक रहता है। सो ये काम आपको करना है, आपको प्लांट्स को बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि गर्मियाँ वी ऑल नोस कि इंडिया में गर्मी काफ़ी पड़ती है, काफ़ी यहाँ का समर काफ़ी हार्ड रहता है। मैं नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ बोल रहा हूँ, हिमाचल, उत्तराखंड या फिर नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन जगहों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा रहती है। तो अभी हमें प्लांट को सिर्फ बचाने की कोशिश करना है ताकि प्लांट हमारे बच सकें। और फर्टिलाइज़र अगर दे रहे हैं तो मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, फर्टिलाइज़र हमें कैसे देना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हम सब मिलके एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसके बारे में। थैंक यू सो मच।